हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? जैसे कि पता है हमारा 9 चैप्टर चालू है मैथ्स 1 का, ओके। प्रोबेबिलिटी हमारा 9.1 एक्सरसाइज है। एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, एक से दो लेक्चर ले चुका हूँ। एक में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और एक मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए थे, ओके। तो आज बढ़ते हैं उसी एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। टू फेल्ड डाइस आर थ्रोन, दो डाइस को क्या है हमने फेंका। अब देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे डाई और डाइस क्या होता है। देखो दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन जब भी हम एक फेंकते हैं, एक बार फेंकते हैं तो डाई बोलते हैं, और जब एक से चार बार फेंकते हैं, दो बार फेंकते हैं या तीन बार फेंकते हैं, तीन बार तो सिलेबस में है नहीं आपके, पर दो बार फेंकेंगे तो आंसर क्या आएगा? डाइस आएगा। अब ट्वेल्थ में जाओगे तो दो बार, तीन बार, पांच बार फेंकेंगे। फिलहाल आपने दो बार तक फेंकना है, तो एक बार फेंका तो डाई बोलते हैं, दो बार फेंका तो डाइस बोलते हैं। वरना आप बोलोगे सर आपका स्पेलिंग रॉन्ग है या सर हमको रॉन्ग स्पेलिंग आता है, दोनों राइट है, कोई बात नहीं, ओके। तो दो डाइस फेंक रहे हैं, फिर लिखता है स्टेट द सैंपल स्पेस। हमको सैंपल स्पेस लिखना है। जैसे कि देखो सैंपल से पता होगा आप लोगों को दो डाइस का क्या है, लिखा के मैंने दिया था, 10 में पढ़ चुके हो, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, पूरा लिखना है आपको, ओके। फिर लेता हूँ 1-3 के बाद क्या आएगा, 1-5, 1-6, ओके। 1 का एंड हो गया 2 की बारी, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6। हालांकि आपको आता है मुझे पता है, फिर ही फर्स्ट क्वेश्चन तो पूरा लिख रहा हूँ, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, बाकी याद और, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, अभी 5 का, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, लास्ट लाइन 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6, ओके। तो फिलहाल यहां पर अपने को एन ऑफ एस लिखने बोला नहीं, सिर्फ सैंपल्स पे लिखने बोला है, तो सैंपल्स मैंने लिख दिया, ओके। अगर आपको नंबर ऑफ सैंपल्स पे लिखने बोलेगा, वहां लिखा रहेगा नंबर ऑफ सैंपल्स पे से लिखो, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा एन ऑफ एस कितना लिखना पड़ेगा, 36, ओके। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं आगे, एंड राइट द फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जो आ सकता है, फेवरेबल आउटकम, जो आउटकम आ सकता है। मैंने बताया था आउटकम का मतलब क्या होता है, आउटकम मतलब रिजल्ट क्या आ सकता है। जैसे कि हमको पहला बोला है ए, आगे बी सी बोला है, मैं पहला एक ले रहा हूं ए। ए मतलब क्या है, देखो ए मतलब बोला है सम ऑफ नंबर ऑन द टू डाइस इज 7, ओके। अभी मैंने पूरा क्यों लिखा है ताकि हर बच्चों को समझ जाए कहां से क्या आ रहा है, वरना मैं ऐसे से बोलूंगा आपको बोलूंगा क्या ये क्या हो रहा है, ओके। तो अब इसको मैं दिखा सकता हूं आसानी तरीके से। क्वेश्चन बोल रहा है हमको ऐसी ऑप्शन चाहिए जहां पर सम ऑफ द नंबर्स, अब देखो नंबर्स मतलब ये एक नंबर है, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, तो इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ऐसे कितने ऑप्शन है जहां पर सम क्या आ रहा है, प्लस करके 7 आ रहा है, ये नहीं है यहां 2 आ रहा है, ये नहीं है यहां 3 आ रहा है, डायरेक्ट यहां पर आएगा और कहीं नहीं है। देखो 1-6, दूसरा है 2-1, 2-5, देखो 2+5 कितना होता है, 7, 3 में आ जाओ 3+4, 7, और कहीं नहीं होगा, देख लो 4 में आ जाओ 4-3, 4+3, 7, 5 में आ जाओ 5+2, 7, और 6 में है 6-1, ओके। बाकी जगह देखो 4+1, 5 नहीं होता, 4+2, 3, 6 नहीं होता, ये होता है 4+4, 8 नहीं होता, तो सिर्फ 6 सैंपल ही हैं। तो अपन यहां पर लिख लेंगे, ओके। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, पहला क्या है 1-6, दूसरा क्या है 2-5, तीसरा क्या है 3-4, चौथा है 4-3, और फिर है 5-2, ओके। और सॉरी एक और लास्ट है 6-1, तो हमारे ए के क्या हो गए, आउटकम्स हो गए कि ऐसे कितने सैंपल्स पे इसमें है जिसमें सम कितना होगा, 7 होगा, ओके। ये ए हो गया, बी सी लेना बाकी, इतना कॉपी कर लो।
ओके, तो ए हो गया हमारा बीसी की बारी। बी क्या बोल रहा है देखो, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब फर्स्ट सेकंड डाई क्या होगा, देखो ये 2-1 है, बाकी मत देखो सिर्फ ये देखो। अब मुझे बताओ इसमें फर्स्ट डाई में क्या आया है, 2 आया है, और सेकंड डाई में क्या है, 1 आया है। मतलब आगे वाले को फर्स्ट डाई बोलेंगे, पीछे वाले को सेकंड डाई बोलेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, बी मतलब क्या, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब जो पहला वाला है जो आगे वाला उसमें क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर पता होगा आप लोग को, ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, पर 7, 9 तो उसमें आया ही नहीं, तो सिर्फ इसमें जो आने वाले ऑड नंबर है 1, 3, 5, तो अपने को ऑड नंबर यानी 1, 3, 5 कहां चाहिए, फर्स्ट डाई में चाहिए। चलो चलो अब देखो, यहां पर पहले में ऑड है, दूसरे में कुछ भी हो मतलब नहीं है, पहले में देखो, पहले में ऑड है, हाँ पहले में ऑड है, हाँ पहले में ऑड है, पहले में ऑड है, पहले में ऑड है, पहले तो पूरे आ जाएंगे, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे, इसमें तो अगले वाले में इवन दिया, अगला वाला कुछ भी हो अपने मतलब नहीं है, जो पहला वाला ऑड होना चाहिए। तो इन 6 के 6 में पहला वाला ऑड है, ओके अगले में चलो, पहला वाला ऑड है क्या, नहीं, ये ऑर्डर रहेगा चलेगा, पहला वाला ऑर्डर चाहिए अपने को, इससे मतलब नहीं, पहले वाले से मतलब है, तो इसमें एक भी नहीं आएगा क्योंकि सारे 2 है पहले। इसमें देखो पहला वाला ऑर्डर है, ये सारे 3 है, देखो ये भी ऑर्डर है, पहला ऑर्डर है, पहला ऑर्डर है, पहला ऑर्डर है, सब आ जाएंगे, तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू क्या, 3-1, 3-2, 3-3 देखते जाओ, सब वही है, 3-4, 3-5, 3-6 ओके। सिमिलरली 4 वाला भी एक भी नहीं आएगा क्योंकि 4 ऑड नंबर, इवन नंबर होता है, ऑड नहीं होता, तो यहाँ पर भी आगे अपने को ऑड नहीं मिलेगा, सब इवन मिलेगा। बचा 5 ऑड नंबर है, तो ये सब देखो आगे 5 दिया है, आगे ऑड नंबर दिया है, छाप दो, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 ओके। लास्ट 6 वाला आएगा ही नहीं क्योंकि 6 आगे 6 दिया हुआ है, 6 इज एन इवन नंबर, अपने को ऑड नंबर चाहिए, ओके। तो ये हमारा कॉमन सैंपल स्पेस हुआ बी का। अब ये आपको करने दे रहा हूं मैं, सी आप लोग करना है। सी क्या बोला है, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, जैसे अपने को ऑड चाहिए था पहले, तो ऑड चाहिए था तो अपने 1 वाला ले लिया लाइन, 3 वाला ले लिया और 5 वाला ले लिया, लेकिन अब अपने को क्या चाहिए, फर्स्ट डाई पे इवन चाहिए, तो बचे हुए ले लो, बचे हुए मतलब 2 वाला आ जाएगा, 4 वाला आ जाएगा, 6 वाला आ जाएगा, वो तुम्हारा सी आ जाएगा, ओके। सी आप लोग करोगे, इतना कर लो, एक डी और बचा हुआ मैं करके देता हूं, इतना कॉपी कर लो, लास्ट है इसमें का। अब देखो ये थोड़ा इजी भी है, थोड़ा हार्ड भी है, जिनको समझ गया ना, है इजी, समझ गया तो बहुत इजी है, नहीं समझ तो हार्ड है। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो फिर से हमको सम करना है, सम और नंबर ऑन बोथ डाई, दोनों पे सम करना है, जो कि डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल मतलब टेबल में आना चाहिए, किसके टेबल में, 3K और 4K, मतलब इनको हमको सम करना है, 1+1 2, 1+2 3, ऐसे सम करके जो नंबर आएगा वो 3 के टेबल में आना चाहिए, या तो और मतलब या तो 4 में आना चाहिए, या तो 3 में आना चाहिए या 4 में आना चाहिए, या दोनों में आएगा तो भी चलेगा। तो सबसे पहले तुम लोग मुझे बताओ, ऐसे नंबर बताओ जो 3 के डिविजन में आते हों, जो 3 के टेबल में आते हों, 3 के टेबल में आता है 3, 6, 9, 12, 15 वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन 15 तो जाएगा ही नहीं अपना आंसर, क्योंकि सम करके मैक्सिमम 12 तक ही आता है अपना, 15 लेना ही नहीं है, मतलब 3 सम करके यही नंबर आते हैं जो इसमें प्लस करके आएगा, 15 तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट लेते हैं 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, पर वो लेंगे नहीं, ओके। 3, 6, 9, 12 3 के टेबल में आता है और 4, 8, 12 4 के टेबल में आता है। अब ये नंबर जरा देखो, डबल कौन है इसमें से, डबल कोई है क्या, देखो 12 डबल है तो एक ही बार लिखो उसको, और कोई डबल है क्या, नहीं और कोई डबल नहीं है, यानी एक तरह से मेरे नंबर कौन कौन से हो गए, लिखता हूँ साइड में इधर पे, 3, 4, 6, 8, 9, 12 ये नंबर है। अब अपने को इसमें से किस किस को प्लस करके ये आ रहा है, सारे ऑप्शन देखने हैं, जो भी प्लस करके इनमें से कोई भी नंबर आता हो अपना आंसर है। मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले 3 के टेबल में 3, 6, 9, 12 आते हैं, 4 के टेबल में कितना, 4, 8, 12 आता है, जो डबल बार है उसको रब कर दो था, कंफ्यूज ना हो, तो डबल बार 12 है तो रब कर दिया मैंने, बचे नंबर साइड में लिख दिया। अब जो भी अपने को आंसर चुनने हैं प्लस करके ये आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गया तो या तो वो डीजल बाय 3 होगा या तो डीजल बाय 4 होगा, ओके। तो डी, चलो डी लेंगे, डी नाम दिया है बुक में, चलो प्लस करते।
स्टार्ट करते हैं, वन प्लस वन टू, टू तो है ही नहीं, वन प्लस टू थ्री, देखो थ्री है, नेक्स्ट वन प्लस थ्री फोर, देखो फोर इधर है, ओके वन प्लस थ्री हो गया, वन प्लस फोर फाइव, देखो फाइव है ही नहीं, नहीं लेंगे, वन प्लस फाइव सिक्स, देखो सिक्स है, हाँ है, नेक्स्ट वन प्लस सिक्स सेवन, लेंगे सेवन तो है ही नहीं, यहाँ आ जाओ, टू प्लस वन थ्री, देखो थ्री है, सिंपल है करना, खाली नंबर पकड़ना चाहिए बस, टू प्लस टू फोर, देखो फोर भी है, नेक्स्ट टू प्लस थ्री फाइव, फाइव है ही नहीं, टू प्लस फोर सिक्स, देखो सिक्स है, नेक्स्ट टू प्लस फाइव सेवन, सेवन नहीं है, टू प्लस सिक्स एट, देखो एट है उधर पे, तो इस तरह इसको आप क्या कर सकते हो, पूरा सॉल्व कर सकते हो, ओके तो समझा, आगे तुम लोग सॉल्व करो, इतना आपके लिए छोड़ा है मैंने। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, पहले अपन एबीसी निकाल लिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक अपन कंटिन्यू करेंगे, ओके इतना कॉपी कर लो और ये टॉपिक क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, थैंक यू वेरी मच।